हेलो दोस्तों, मैं लक्षित त्रिवेदी जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? इस वीडियो में मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दिनचर्या पूजा के बारे में बात करी थी, तो वो वाली नहीं, फिटनेस वाली दिनचर्या पूजा के बारे में बात करी थी। तो उसमें मैंने एक आपसे पूछी थी बात कि आप लोग जानना चाहते हो ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड के बीच में कि क्या फ़र्क है। ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। वाइट ब्रेड को तो ऐसा जहर मान रखा है कि बिल्कुल जहर है, और ब्राउन ब्रेड को बिल्कुल ही अच्छा मान रखा है कि इसे खा लो तो बॉडी तो ऐसी बन जानी है। तो इसके बारे में जानना चाहते थे, तो लोगों ने मतलब मैंने पूछा था कि आप जानना चाहते हो तो बताओ, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ जानना चाहते हैं बताएं। तो हाजिर हैं हम आपकी सेवा में, जानते हैं आज ब्राउन ब्रेड वर्सेस वाइट ब्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फोन मेरे पास है, कुछ डिटेल्स मुझे इसमें से देखनी पड़ेंगी जो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड की, कि अंतर क्या होता है। अब देखो यार, ब्राउन ब्रेड में जैसा कि पैकेट पे लिखा होता है, जैसा कि प्रेजेंट किया जाता है कि ब्राउन ब्रेड इज अ होल व्हीट ब्रेड, और जो भी उसके अंदर हमारा गेहूं है या फिर जो भी है, मल्टीग्रेन ब्रेड भी आती है, मतलब कई सारे आपके अनाज वगैरह होते हैं। तो जो ब्राउन ब्रेड है मेनली वो आपका, उसमें बताते हैं कि आपका होल व्हीट है, मतलब कि आपकी मैदा नहीं है। मैदा में क्या होता है, वो अंदर का स्टार्च जो होता है वो यूज़ होता है, तो वो वाइट भी होता है, तो वो अगर हम यूज़ करते हैं तो आपकी बनती है वाइट ब्रेड। और अगर हम बाहर की उसकी परत जो होती है जिसमें हमारे फाइबर्स होते हैं उसको भी यूज़ करते हैं तो आपकी बनाती है ब्राउन ब्रेड। तो ये हमारा ऑन पेपर है, मतलब जो पैकेट जो कंपनियाँ हमें बोलती हैं और जो हमारी ढिंचक पूजा हमें बोलती है, उसके बारे की बात बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहूँगा ये कि अगर हमने चलो सब कुछ मान लिया कि हाँ हमारे पास उसमें फाइबर है और सब कुछ ऐसा है जैसा दिख रहा है, तो भी अगर आप न्यूट्रिशन फैक्ट देखो जाके ब्राउन ब्रेड का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तो चलो वो बाद में बताएंगे, पहले न्यूट्रिशन फैक्ट देखते हैं ब्राउन ब्रेड का। तो उसमें अगर हम पर 100 ग्राम देखें तो कैलोरी आपको मिलती है 293 ग्राम्स, और टोटल फैट देखें तो वही 3.3 ग्राम्स, और आपका कोलेस्ट्रॉल 1 ग्राम, सोडियम पोटेशियम 285 ग्राम, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं 54 ग्राम्स। और बात करें अगर हम कैलोरी की, कैलोरी जैसे मैंने बताया 293 कैलोरी उसमें मिलती हैं हमें 100 ग्राम में, ये ब्राउन ब्रेड की बात कर रहा हूँ। तो ये तो आपने अगर नोट कर लिया, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, आपको अगर पॉज करके एक बार उसे पढ़ लीजिएगा तभी ढंग से समझ में आ पाएगा। और मैं बात करता हूँ वाइट ब्रेड की, तो अगर बात करें वाइट ब्रेड के न्यूट्रिशन की, तो 100 ग्राम का अगर मैं लूँ तो 265, तो अगर देखा जाए तो कैलोरी में उससे थोड़ा कम है। और हाँ, हालांकि न्यूट्रिशन में थोड़ा भी और कम होगा, और इसमें फैट होगा आपका 2.3 ग्राम्स, और आपका इसमें प्रोटीन होगा 9 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट होंगे 49 ग्राम, तो कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े कम हो गए क्योंकि इसमें फाइबर्स कम हो गए। तो ये चीज़ थी इसकी ओरिजिनल न्यूट्रिशन फैक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों ये होता क्या है कि जो वाइट ब्रेड होती है उसके अंदर हमारा अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसमें स्टार्च है, तो मतलब उसके अंदर फाइबर नहीं है, तो वो थोड़ा फास्ट डाइजेस्टिव होता है, जो उसके कार्ब्स हैं वो जल्दी एनर्जी देते हैं। तो हम लोग बहुत से ये सोचते हैं कि वाइट ब्रेड तो खानी ही नहीं चाहिए। मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आखिरी बताऊंगा कि कुछ केस में तो वाइट ब्रेड ही खाई जाती है, कौन से टाइम सिर्फ आपको वाइट ब्रेड खानी है फ़ायदा ज़्यादा करेगी, तो वो वीडियो में आगे बताऊंगा, उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में अंतर इतना होता है कि उसके अंदर फाइबर नहीं है। तो जैसे हम फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन को साथ में कुछ ऐसा फैट मिला के उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स घटा के उसको स्लो एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं हम उसका, तो ऐसा हम इसके साथ भी तो कर सकते हैं। तो हम वाइट ब्रेड के साथ कुछ फाइबर वाला फूड मिला के उसको होल इतना बना दें कि उसका ओवरऑल जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाए और थोड़ा स्लो वो डाइजेस्ट हो, तो मतलब स्लो आपको कार्ब सप्लाई मिल जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। 100% ऐसा हो या ना हो वो नहीं बोल सकते, बट ऐसा किया जा सकता है। तो ये तो हुआ ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में अंतर। और बहुत से लोग बोलते हैं कि वाइट ब्रेड आपको फैट देगी, दिनचर्या पूजा ने यही बोला था कि वाइट ब्रेड आपको फैट देती है। भैया वाइट ब्रेड आपको फैट क्यों देगी, उसके अंदर फैट इतना, जितना फैट उसमें ब्राउन ब्रेड में है उतना ही फैट आपका वाइट ब्रेड में है, तो अगर वाइट ब्रेड फैट देगी तो ब्राउन ब्रेड भी देगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो वाइट है, वो ब्राउन है तो वाइट देगी। अब मैं बताता हूँ कि किस केस में आपको फैट मिलता है। अब आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, फैट तो सिर्फ कैलोरी है, अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और आप ऊपर से और डाल रहे हो
ग्लाइकोजन भर चुके हैं, ग्लाइकोजन भी छोड़ो आपकी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जा रहे हो और उतना बर्न नहीं कर रहे हो तो वो फैट में जाएगा। सीधा सीधा सा रूल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक दो शब्द सीख लेती है, उसको चार बार गा के अपने आप को ज़्यादा बड़ा प्रधान समझती है, तो वो चीज़ मैं नहीं बनाता हूँ। अगर चाहो तो साइंस में भी घुस सकते हैं, और जितना ईजी हो सके तो उतना ईजी रखना चाहिए। तो वही वाली बात है, कैलोरी अगर पूरी हो गई एक्स्ट्रा डालोगे तो वो जाके फैट बन जाएगी। बट अगर आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हो तो आपकी कंडीशन ये होगी कि आपको अभी और कैलोरी लेनी होगी, रिक्वायरमेंट है तभी तो खा रहे हो ब्राउन ब्रेड। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया वाइट ब्रेड खाओगे तो मरी जाओगे, ब्राउन ब्रेड ही खानी है। अगर अवेलेबल है तो किसी टाइम पे अगर आप खा रहे हो ब्राउन ब्रेड तो बुरी बात नहीं है, आप खा सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि वो खानी ही नहीं है, वो भी खा सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। और अगर बात करें कि भैया ब्राउन ब्रेड की, तो ब्राउन ब्रेड का कभी पैकेट पड़ा है इस बाकल, छोड़ो यार, इस आदमी से ये बोलो जाके ब्राउन ब्रेड का पैकेट पढ़ और उसके बाद बता। तुम यार फिटनेस चैनल खोल के बैठे हो, दूसरों को नॉलेज देने बैठे हो, मैं सिर्फ इतना बोलने वाला हूँ कि लोग तुम्हें देख रहे हैं तो किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, तो वो इन्हें इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है, तो अब हम देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप कभी भी किसी कंपनी का, दो तीन कंपनी में आपको एक कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ जल्दी ही, ब्राउन ब्रेड क्या स्कैम करते हैं। तो ब्राउन ब्रेड के पैकेट के पीछे आप देखोगे ना तो उसमें आपको साफ साफ लिखा मिलता है मैदा, इंग्लिश में भी मैदा लिख देते हैं वो, कि मैदा से आपका ब्राउन ब्रेड बना है। तो मतलब ब्राउन ब्रेड को बनाने में भी आपको मैदा लगी हुई है, उसके अंदर होल व्हीट तो मुश्किल से 30-32% होता है। तो 30-32% आपका होल व्हीट खाने के लिए आपने ऐसा नाश मचा रखा है कि भाई ब्राउन ब्रेड। तो ये था एक कड़वा सा सच ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड का। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं बताया है या कुछ और मुझे इसमें ऐड करना था तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, मैं 100% आपका आंसर करूंगा। और आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, काफ़ी सारी वहाँ बात होंगी, काफ़ी अपडेट होंगी, काफ़ी नॉलेज वहाँ पे मिलती रहती है, मैं डेली अपडेट देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बराबर में आएगी घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, उससे आपके भाई की जब भी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, तो नोटिफिकेशन पहुँचना ज़रूरी है, वीडियो कैसे देखोगे बनना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो, जय हिंद।